याद रहे दोस्तों, इधर अजय कैसेट कंपनी एटा के माध्यम से जो हम द्वितीय भाग विजय सिंह का विवाह दर्शाने के लिए जा रहे हैं, प्रथम भाग हम इससे पहले दे चुके हैं। अब इसमें देखिए किस तरह से बहादुरों का विकट संग्राम होगा और किस तरह से महोबे वाले जवानों ने जाकर के विजय सिंह का पत्थरगढ़ से विवाह किया है चंद्र प्रभा के साथ में। तो लीजिए दोस्तों, शायद है कि परम पूज गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के आशीर्वाद से ये द्वितीय भाग आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो इधर युद्ध क्षेत्र के लिए भक्को रणपत सिंह का पुत्र गयाधर और खड़ंग सिंह जब अपनी फौज लेकर के युद्ध क्षेत्र के मैदान में जब आया है, वो उधर उदल ने अपने बड़े भैया आला से जाकर के कहा कि भैया अगर हमें आपकी आज्ञा प्रदान हो तो मैं युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हूं। उधर आला ने आज्ञा दी है दोस्तों, लेकिन लला हुआ क्या? आज उदल सजन लगे थे डेरन में, संग नीति फौज सजाई पूरिया तिनी पेर लाखन है, तो अपनी अली नीति फौज सजाई सज गो संग सज थे दल सियलाई जितनो लश्कर बना फरन को सबनी बांधी ले थे हथियारी चलो सिंह का बेटा खड़ंग सिंह व गजाधर फौज लेकर के युद्ध क्षेत्र के मैदान में आ गए। याद रहे दोस्तों, इधर उदल लाखन इंदल वीर सिंह ने जब अपनी सेना को सजाया है लला देवराज, उधर हुआ क्या? सिंगनी कोरे जिया
राजा खड़ग सिंह व गजाधर दोनों युद्ध क्षेत्र के लिए आए। इधर से उदल अपनी फौज को लेकर के जब युद्ध क्षेत्र में गए हैं, इधर खड़ग सिंह ने जाकर के तलवार हाथ में लेकर के जवाब दिया, कौन है? उदल ने जवाब दिया, जानते आप किससे बात कर रहे हो? बोलो पीर उदय सिंह भाई, और सिंह जाए हम उदल है, हम पत्थर गढ़ लोग हिरवाई। महुबे वाले हर कई थी सुनाई, दोस्तों इधर जैसे ही आकर के खड़ग सिंह व गजाधर ने जाकर के कहा कि क्यों रे महुबे वाले जाने हो, और एक बात का ध्यान रखना, टूट छिड़ के आए हैं उधर लला देवराज हुआ क्या? आतन बत पर हुई गौ और बातिन में बढ़ी गई रार, और दारी के ऊपर गारी दे दैगी भवानी दो उदल के धर्म द्वार, और ओला के संग गोला सनन सनन इस कोटा की असल कटार, और सूरी हुई गए पीला बन रे और सवार से गिरे धे और मेरे पानी दी रक्त की धार, और तमर खेत के हम दोस्तों युद्ध का नजारा ही बदल गया। बार करो है बेकारी, याद रहे दोस्तों इधर तो उदल के मोहरा पे गजाधर तलवार कर रहा है, वो उधर आला का पुत्र इंदल आगे बढ़कर के जवाब दिया, क्यों रे? सुन ले जा कान लगाई, चलापति के अपनी दीनी दी ढाली अलाई। अरे एक पैर की धर की जब तो खड़ग सिंह को मन घबराई, होश बिगड़ गए के पत्थर गड़ के तब हाथी में पूतो है बढ़ाई,
बेटा खड़ग सिंह ने जिस समय आला के पुत्र उदल के जब तलवार मारी है, लेकिन बारे बेटा मचला के आज इंदल ने जब अपने वार को बजा लिया है, लेकिन हाय लोगों गजब हो गया। इंदल ने जवाब दिया, खड़ग सिंह एक बात का ध्यान है, अरे हमनी चोट तुम्हारी झेली, अब तुम सहरे हमारो बारी। ऐसी कहकर नर उदलनी मारी जोधा के तलवारी। होगा के जोधा टिड़ी मिड़ी जो है जाई, उदली कूद पड़े घोड़ा से और गजाधर लोहे दबाई। याद रहे दोस्तों, बारे बाजी वाह उदल ने उस समय जैसे ही गजाधर के तलवार को मारा है, गजाधर तुरंत ही धरती पे गिरा। उदल ने उठ करके घोड़ा से नीचे उतर करके दाब लिया। वो जब गजाधर को नीचे जमीन पे दाबा है, उधर हुआ क्या लला? अरे अपनों कैदी के लोहे बनाई, जागती देखी जब हाथी ने हाथी को है जोश में जाई। याद रखना दोस्तों, जब उदल ने गजाधर को बंदी बना लिया है, उधर बंदी बनाने के बाद में उधर हाथी ने जब देखा है कि मेरा मालिक महोबे वाले जवानों ने बांध लिया है, उधर वो हाथी जो थे खूनी हाथी थे, लेकिन हाथियों के आगे पेश नहीं पड़ी। मगर हुआ क्या लला? अरे सूढ़ी बढ़ाई की झट हाथी ने कमरी लपेटा लोहे लगाई, हाथी ने उदल जोधा को तब तक धरती दोहे दबाई। लला गजब हो गया, वो महुवे वाला जवान जब हाथी ने बंदी किया है, हाथी ने बांध लिया, लेकिन हुआ क्या? अरे पहली फेंकी दई तब हाथी ने उदली ने ही तुरंत बधाई, मुस्कबाद किन्नरी उदल की उलटी दंडी लई बधाई। बेटा मिलाजी एक बात का ध्यान रखना, जरा चिमटा भी संभाल के बजाना, क्योंकि जानते हो
देखी रस पे दुलनी उदल पधे के समर में जाई पकड़ी खोपड़ी खड़ंग सिंह की घोड़ा ले गो है तुरंत ही उड़ाई ने अब ये देखा कि उदल बच चुके हैं हाथी के द्वारा, लेकिन उसी समय इधर उदल ने गजाधर को कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था। वो हाथी ने जब उदल को बांध लिया, मेरे मित्र, उसी समय रस बैंदुल यानी उदल वाले घोड़ा ने गजाधर के भैया खड़ंग सिंह को जब इंदल से युद्ध करते हुए देखा तो तुरंत ही उसके सर को पकड़ करके हाथी ऊपर की ओर ले गया उड़ा करके। मगर याद रखना हुआ क्या, अरे ऊपर से पद को घोड़ानी, अरे दुश्मन गिरो है धरी पे जाई, पत्थर के ऊपर छोड़ो तो तुम मर गओ खड़ंग सिंह बलवानी। यारो गढ़ पत्थर के मैदानन में उदल बधी गए हैं, सुरजन गढ़ पत्थर के मैदानन में उदल बध गए हैं, उदल बध गए यार हाई उदल बध गए हैं। गुरुजी गढ़ पत्थर के मैदानन में उदल बध गए हैं, आई हाय गढ़ पत्थर के मैदानन में नाहर बध गए हैं। याद रहे दोस्तों, इधर रणपत सिंह के दोनों पुत्र गजाधर और खड़ंग सिंह जो थे युद्ध क्षेत्र में आए थे। इधर सबसे पहले तो उदल ने गजाधर को कैद कर लिया था, और उधर जब चारों तरफ से हाथियों ने घेराबंदी की है उदल की, उधर खूनी हाथी के द्वारा उदल बधे हैं। अब उदल युद्ध क्षेत्र में बध करके गजाधर बंदी बना करके जब ले गया है, और उधर उदल के रसमैदुल ने खड़ंग सिंह को मार डाला था पत्थर पे फेंक करके। उधर हुआ क्या, जब महुवे वाले सभी जवान लौट करके अपनी फौज लेकर के डेरों में गए, और उधर आला के सामने जाकर के ये सुनाया कि उदल कैद हो चुके हैं, तो याद रखना दोस्तों, आला रोने लगे और एक बात बोले, अरे आला रो बतही डेरन में अब का रूठी गए थे भगवानी, और बिन उदल के जा दुनिया में हमको कछु सुहावत नाई, अरे देवे छैया छोटे भैया तुम भी नकात करो अब जाई, अरे देवे छैया छोटे भैया तुम
मदीन ना बजकोरा खाई और आला सोचत है डेरन में कैसी पहिए ले भी छुड़ाई दोस्तों इधर आला डेरों में रो रहे थे उधर कनवज वाले लाखन ने कहा कि भैया धैर्य धारण करो उधर आला ने जवाब दिया लाखन अरे पनिकी के बट कनवज वाले लाखन ना बल गई ओ पारी तब बोलो बेटा पीर सिंह जो ताऊ सोच दे पिसराई समन को जानी बाबुल ले पधवाई समन को लिवसी सुयुतारी है सुनकर बानी अपीर सिंह की लाखनियो ना भय के तैयारी गई हतनी सजी समर को तो पेला धन भय के सवारी लाखन की सेना जोधा बड़े बड़े सरदारी बेटा देवराज कनवज वाले लाखन ने जब अपनी सेना को सजाया है जब भूरी हथनी पे चढ़ करके समर के लिए चले हैं उधर वीर सिंह जब घोड़ा पे सवार होकर के आगे बढ़ा हाय हाय लोगों अब तो युद्ध क्षेत्र का नजारा ही बदल गया है उतार फौजी जंग जीत की पहुंची खेतन केर मैदानी और झंडा घूमो कुतबाली कोता पे नगिन झकोरा खाई और सोई आगे बढ़ के पीर सिंह ने जंग जीत से कही सुनाई और हम है लड़का नरी उदल के पहनोई हम लगे तुम्हारी धर्मेंद्र और ध्यान रखना मिझाजी लला लालू इधर मैं
जहां लाखन राणा की फौज लगी हुई थी समर खेत में, उसी जगह जाकर के रणपत सिंह के बेटा जंग जीतने जाकर के अपनी फौज को लगाया। लला हुआ क्या? खूनी के द्वारा आई मेरे पिता को लौ बधुआई। बेटा विवेक, बधुआ वाले थोड़ा ध्यान रखना। पुष्पेंद्र बेटा, इधर उदल का पुत्र आगे बढ़ा है और जाकर के जंग जी से इतनी बात कही है, तो जंग जी इतने सुना, बेटा देवराज हुआ क्या? अरे सुन के पानी जंग जीत में गुस्सा कही है जा बदन में छाई। ललकारो के खलासिन को तो बिन पत्ती जाते वो लगाई। बहुत सुंदर छत्री के घूसा लागे तो लड़को छोड़ के दे तू दरबारी। छतरी छोड़ के भजे हथियारी। दोस्तों, इधर युद्ध क्षेत्र में जाकर के लाखन ने अपनी हाथीनी को आगे बढ़ाया है, लेकिन हुआ क्या? अरे गोला लागे के जा छाती में दलमी चीखे के और गिर जाई। खाली गोला के गिरे रे जमी पे धरती सात कदम धसी जाई। मलिक बैठो के कनवज वाले तुमरो काल के गौनियराई। अपनी लीनी है जान बचाई।
सिंह के बेटा गयाधर ने घुमा करके तलवार को मारा। बेटा धर्मेंद्र जी, उधर लाखन ने अपनी उसी तरह ढाल लड़ा करके जान को बचाया, लेकिन हुआ क्या? अब गुस्सा आई गई है लाखन को, भूमि की तेगा के दोहे चलाई, रस्सा काट दे होदा के जोधा गिरो के जमी पे जाई। और गुस्सा आई गई हरे लाखन को, भूमि की तेगा के दोहे चलाई, और लत्ता काट देर होदा के जोधा गिरो के जमी पे जाई। और लाखन कूदी परे रे हथिनी से, पीर गजा धर लोहे दवाई, मुस्का पानी ले तब लाखन नी मर्दो ध्यान बिसर ना जाई। याद रखना, इधर तो लाखन ने रजपत सिंह के पुत्र गयाधर को कैद कर लिया है, और उधर वीर सिंह जब जंग जी से जाकर के युद्ध क्षेत्र में ललकार करके जवाब देता है, याद रखना, वीर सिंह ने जंग जी से कहा, यह भी रजपत सिंह का बेटा था, क्यों कुनबा कूरे हो कटाई, हम तुम लड़ी के समर खेत में देख किन पे राम रिसाई। जंग जीत के सामने वीर सिंह मुस्कुरा करके बेटा धर्मेंद्र बोले, याद रखना बहादुर, तुम्हारी बहन जो चंद प्रभा है बहुत देखने में सुंदर लगती है, और जिस समय मेलों से निकल करके बाहर के लिए जंगल की ओर जाती है तो काले काले बाल, जिस समय वो झूमती हुई निकल करके जाती है तो उस समय कलेजा फटता है। दोस्तों याद रखना, अरे पिया करोगे चंद्र प्रभा को ताई कुआरी रखने के नाई। याद रहे, राजी से तुम डोला दे दो, झगड़ा लार सभी मिट जाई। बेटा, जले हुए घाव पे वीर सिंह ने नमक छिड़क दिया, जंगजीत आंखों में लोहू के कतरे लेकर के जवाब दिया, क्यों रे नालक, तुझे ये मालूम है कि किससे बात कर रहा है? अरे जंग जीत तब पालन लागो, बाजी सुन ले कान लगाई, कही तो कैले कही अब मती कहियो सर भुंडा को देवी उड़ाई। अरे टुकड़ा खाए चंदे लेके
बना फरराई, ऐसे कहकर पीर सिंह ने मारी जोधा के तलवारी। घोड़ा से उतरो कर में तेगा लोहे उठाई, याद रखना दोनों बहादुर जो युद्ध क्षेत्र में जाकर के कूदे हैं। अब तो याद रखना बेटा, जैसे ही वीर सिंह ने घुमा करके तेगा को चलाया तो जंग जीत नीचे जमीन पर गिरा, मगर हुआ क्या। पर बिना पाओ जंग जीत को, उठकर बैठी को है सरदारी, कुश्ती होने लगी जो धन की, ले ले इष्ट देव को नाम। अरे दोनों ताकत रहे अजमाई, लाखन योद्धा कनवज वाले आए उसी जगह पर जाई। और एक बात कहना चाहता हूं, जो भी हमारे जितने भी प्रेमी हैं, थोड़ा ध्यान देते रहना, इससे भी आगे और नवीन प्रोग्राम आपको हम देते रहेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, इधर हमारे जो पास में बैठी हुई हैं रुचि शास्त्री, विशेष संयोग और इतना अच्छा लगा हमें, मैं जानता हूं कि शायद है कि देखिए आप लोग खुद जानते हो, आप लोग खुद देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी कथा वाचिका है। और ऐसा होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें ऐसे ही नायक की जरूरत है। किसी का सगा नहीं है, सगा पाप है बहुत बलाई, जो कोई दगा करे ऐसे में ताके चार पाप एक माई। कदम तक दो है हटाई, तब धर की दाबो पीर सिंह ने, तीस कदम तक दो है हटाई। बेटा देवराज,
याद रखना, मल युद्ध होने लगा दोनों के बीच। बेटा मिजाजी, उधर हुआ है ऐसा, वीर सिंह और जंगजीत के बीच में जब मल युद्ध हुआ है, एक बार के लिए तो जंगजीत ने वीर सिंह को 20 कदम पीछे हटा दिया, लेकिन जब समय वीर सिंह ने देखा हुआ क्या, अरे मनिया सुमनी महोबालो लीलक देव कलिंजर किया, सोई हाथ पकड़ की जंग जीत को छाती नीचे लोहे दबाई, उनके दंड ले कसुवाई, यहां गजाधर कैदी बैठो जंग जी तभी तो है बधाई, हसी गए हैं सुरजन कर दोनों की कैद के लाखन मन में हसी गए हैं, अरे मन में हसी गए लाखन दिल में हसी गए हैं, अब तो कर दोनों की कैद के लाखन मन में हसी गए हैं, याद रखना। महुए वाले सभी जवानों ने जंगजीत और गजाधर को जब कैद कर लिया है, उधर नरपत सिंह को ये पता चला तो दोस्तों हाल बेहाल हो गया। जब ये सुना कि मेरे दोनों बेटाओं को महुए वाले जवानों ने बंद कर लिया है, तो नरपत सिंह रोने लगे और एक क्या बोले, अरे जब ये बात सुनी थी राजा ने, धक्का लगो तो कले जा जा आई आंसू भर भर कीर रोबत है, अब कोई धीर बधैया ना, पर ले भाई अरे जुलम गुजरी गए पर ले हुई गई, अब कहूं हमें दिखावत ना आई कैसी पार करी रे दुश्मन से, हम पे विपत्ति पड़ी थी मर लाई, रणजीत सिंह ने कई थी सुनाई है, चिंता जियरा मेरे मत करियो ले भैयन की कैद छुड़ाई, Thank you.
अमर जाल ले लो तो हाथ में, पहुंचो युद्ध क्षेत्र में, जाए कोई भजन लगो युद्ध को डंका, मर्दो ध्यान बिसरी ना जाए काय, कान आवाज पड़ी तिया लाके, दुश्मन गौ तो खेत में आए। दोस्तों इधर रणजीत सिंह की फौज खेतों में गर्ज रही है, वो उधर आला ने लाखन इंदल वीर सिंह को आदेश दिया, पास में बुला करके कहा, तुम्हें मालूम है रणपत सिंह का बेटा रणजीत युद्ध क्षेत्र के मैदान में ललकार रहा है, आप तैयारी करो। उसी समय याद रखना दोस्तों, इधर एक बात और बता दूं, रणपत सिंह का जो बेटा रणजीत और था, इस रणजीत के पास में एक अमर जाल था, उस अमर जाल की ऐसी बड़ी विशेषता थी, जो अमर जाल में जिसे फंसा लेता था उस अमर जाल में से कोई निकल नहीं पाता था। लाखन जोदा कन बजवाले हो, हथनी लई सजाई और पीर सिंह संग चलते हमारे संग जाए इंदल सीरा है। छत्रिय महुदे पाले पहुंचे खेतन केर मैदान काई और धरी ललकारो तो रणजीत सिंह को, बहनोई अकूले तो पहचानी, सूरमा छपका भजन लगी थी तलवार गई और चले सिरोई ताना साई, क्षत्रिय भाजत ले ले प्राण और धरे हरैया जब पूरब से धुर दक्षिण में देवे लगाए, और धरे हरैया जब उत्तर में धर पश्चिम में देवे लगाए, और बड़े लड़ैया महुबे वाले इनसे एक पे सना जाए, और जा मन जानी रणजीत सिंह ने अब नहीं बची है प्राण हमारे, सोई अमर जाल को चरखी पे हाय फौरन ऊपर दो चलाई। महुवे वाले जवानों ने रणजीत सिंह को चारों तरफ से घेरा है, अब समझ गया रणजीत सिंह के इनसे ऐसे पार नहीं पड़ेगी, उसके पास जो अमर जाल था आज अमर जाल को फैलाने लगा, लेकिन हुआ क्या, छत्री के भूसा मारे रण में उठे और चिल्लाई, बेटा अरे जामन जानी के रणजीत सिंह ने अब नहीं बचे के प्राण हमारी, अमर
को चरखी बेहाई फौरन ऊपर के दोहे चलाई। सोई सवरे बांधे के महुवे वाले अमर जाल में लोहे फसाई। दोस्तों जब रणजीत सिंह ने अमर जाल को उठा करके जैसे ही ऊपर को उड़ाया, मोवे वाले जवानों को सभी को घेराबंदी में कर लिया है, अमर जाल में फंसा लिया। आई हेलो बेटा धर्मेंद्र, देवराज जी ध्यान रखना, मिजाजी जैसे ही ये खबर मंडली के पास में पहुंची है हृदय विदीर्ण हो गया। अरे जा सुन पाई मंडली कने धक्का लगो आई कले जा जाय। अरे गुसैया अब का करी हो लीली लार पेट नहीं जाय। देखा महुवे वाले जवान कैद हो चुके हैं, केवल आला बचे, और आला के साथ ही साथ विजय सिंह भी बच गया था, कुढ़ेर वाला बोना चोर भी बच गया था। उधर आला से उदल के पुत्र ने जवाब दिया, ताऊ ताऊ क्यों रोबा, ताऊ क्यों रोबा, प्यारे कर्म लिखी तो ही हो बे ताऊ क्यों रोबा, प्यारे कर्म लिखी तो ही हो बे। याद रखना दोस्तों, आला जो डेरों में रो रहे थे, उधर उदल के पुत्र विजय सिंह ने जाकर के धैर्य धारण बधाया है, क्योंकि विजय सिंह और कुढ़ेर वाला बोना चोर ये बचे हुए थे। और जाकर के उन्होंने जब समझाया, लेकिन एक बात और बताऊं, अब आला ने अपने डेरों में एक सलाह ली और बोना चोर से कहा, विजय सिंह ने कहे भैया बोना आप एक काम करो, चंद्र प्रभा के ऊपर जाकर के आप रंग चढ़ाओ और तब तक हम अपने सभी महुवे वालों की कैद छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आरे इतनिया कह के चलो विजय सिंह संग में लो थो बोनिया राई। और रसबे दूल घोड़ा के ऊपर दोनों बैठ चले थे हर्षाई। सब सामान रंग को लेकी पुना महल पूछी गौ जाई। और आधी राती भय पे पुना लीनो भेष चोर को धारी।
बोना चोर, सभी स्त्रियों का जो सामान होता है श्रृंगार का, याद रखना बहन जी रुचि, जो भी श्रृंगार होता है ना, आज वो बोना चोर लेकर के चला है कहां, चंद्र प्रभा के ऊपर रंग चढ़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? पहुंचो कुड़हेरे कोरे सरदारी, धुनी देख के बेहोशी की, तीनों सबको के होश भुलाई, वही कहने के न हो पहनाई, हर रतन जड़ाऊ के कपड़ा लेके सो पहना तू बोनिया लाई, बहुत सुंदर बेटा। उस गोरी का बोना चांद ने किस तरह से श्रृंगार किया, वैसे भी बहुत सुंदरी थी लेकिन अब श्रृंगार और कर दिया। और लला उसके होठ तो संतरा जैसी खांपे हो रही थी, और क्या बताऊं, अरे गोरी गोरी भैया नरम कलैया गोरे हतेजा भमीरी गाली, आ चटक चुनरिया के सर पे डारी, गले में हार के लो लटकाई, बेटा धर्मेंद्र देवराज जिस समय झूमती हुई चलती थी तो मानो ऐसा लगता था कि काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। अरे खुले पति थी जब गोरी की, कोंदा हो तुहे स्वर्ग में जाई, भोली सूरत पे अब मित्रों होई गो सुनील है बलिहारी, लाला आपको कमाल हो गया, बोना ने श्रृंगार किया, अरे हाथन पान मेदी रख गई, अरे दीने सब ना खून जाई, मेदी लगाई जब माथे पे, ध्यान रखना मेदी लगाई जब माथे पे, कछु तारीफ करी ना जाई, मौज बहार धनी धनी कहिए सुतयू दल के पिधना जोड़ी तई है मिलाई, और सुंदर
की दुल्हन दई है बनाई। यही बात है, चोली रख दई है हियरा पे, चोली चटक चटक रह जाई। सुनो हवाल भोर भुरा रे के रमना में महलन घुस गौ राजकुमारी। दोस्तों इधर तो बोना चांद ने चंद्र प्रभा का जाकर के सारा श्रृंगार किया है और लौट करके आया, उधर विजय सिंह ने जाकर के महलों में महुए वाले जवानों की खोज की है। और जब महुए वालों की जैसे ही खोज की, हाय हाय लोगों का जब हो गया, जैसे ही रणपत सिंह के बेटा रणजीत सिंह जो था, जो अमरजाल के द्वारा महुए वाले जवानों को कैद करके ले गया था, हर रणजीत सिंह की जैसे ही नजर पड़ी हुआ क्या लगा। अरे नजर घूमी गई रणजीत सिंह की, विजय सिंह को दई ललकार। क्यों रे पापी महुबे वाले, कैसे महल न पहुंचो याई। झपटो जाई धर की दाबो के रणजीत सिंह ने, तो 30 कदम तक दो है हटाई। याद रहे दोस्तों, अब तो महलों के बीच में ही घमासान युद्ध दोनों के बीच में छिड़ गया, युद्ध होने लगा, मगर हुआ क्या। अरे फिर दो है पिता सिंह ने, सात कदम तक दो है हटाई। सोई नीचे दाबी लो धरती पे, जट छाती पे भो तो सवार। अब नजर गुजारो है आला को, आला फूले नहीं समाई। अरे जितने कैद हते महुते के, सबको लीनो है बाहर निकाल। सोई पीट ठोकी दई नरयू दलनी, लाखन गोदी में लो बैठारी। याद रखना दोस्तों, उदल के पुत्र विजय सिंह ने जाकर के रणपत सिंह के महलों में, रणपत सिंह को जाकर के रणजीत सिंह को
वहां कैद कर लिया है और कैद करने के बाद में उदल इंदल लाखन जो ये कैद थे सभी को छुड़ा लिया है। और जब विजय सिंह ने छुड़ाया है, छुड़ाने के बाद उधर हुआ क्या, खबर मिली रणपत सिंह को जिसकी बेटी चंद्रप्रभा थी। अरे खबर मिली गई रणपत सिंह को, अरे सब सूरन को दोहे सजाई, पड़ गई योदा के महुबे वाले, याद रखना बह गए योदा युतम महुबे के राजा रणपति के दरबार। सिंह सरदारी सोई आबत देखो है उदल को, झट से तेगा लो है उठाई, दोनों ओर के झुका सूरमा होने लगी मारही मारी, सोई घेर लो महुबे बालिन ने शत्रु भाजे ले ले प्राण। अजय यादव जी, जब महुबे वाले जवानों की विजय सिंह ने कैद छुड़ाई है, उधर उदल और लाखन जैसे ही धर के झपटे और रणपत सिंह को जाकर के चारों तरफ से घेर लिया है। अरे लेकी तेगा रणपत सिंह ने नर उदल पे तो है चला आई, ढाल अड़ाई दई तब उदल ने लीने अपने प्राण बचाई। झट धरती पे लोहे दबाई, मुस्कबादी लई है राजा की उलट तन्नी ले बदाई। अरे गिड़ गिड़ाई की राजा बोले उदल सुन ले कान लगाई, और गंगा खाबत ही महलन में बेटी की शादी दिए कराई। दोस्तों महुबे वाले जवानों ने पत्थरगढ़ पे जाकर के राजा रणपत सिंह को युद्ध क्षेत्र में हराया, महलों में जाकर के मल्ल युद्ध के द्वारा उन्हें बंदी कर लिया है। इधर राजा रणपत सिंह ने सौगंध खाई है गंगा की, मैं सौगंध खा के कहता हूं अपनी बेटी चंद्र प्रभा का विवाह उदल के पुत्र विजय सिंह के लिए करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे जो हमारे बेटा कैद हैं उनकी कैद छुड़ाने की तुम कोशिश करो, उन्हें छुड़ा दीजिए, मैं अपनी बेटी चंद्र प्रभा का विवाह करूंगा।
सारे कैद छुड़ाए दो मेरे बेटन की, हमको माफ करो तुम जाई और डोला ले जाओ तुम बिटिया को, फेरा साथ लियो डरवाए और ऐसी ब्याह बहो बिटिया को, अजय कैसेट में दो सुनाई। सुरजन की कृपा जो हो गई, सुनील चेतन देवे सुनाई। अजय भैया वो चंद्र प्रभा के साथ में विवाह हुआ, महुए वाले जब लेकर के चले कैसी थी गोरी, धन की पतरी कमरिया लंबे केस, धन की पतरी कमरिया लंबे केस, ए महलन में झोंका ले रहे, धन की पतरी कमरिया लंबे केस, धन की पतरी कमरिया लंबे केस, रे छरजे पे झोंका ले रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और बताओ बेटा देवराज, आज तो तुमने हमारे दिल को जीत लिया। और एक बात कहूं, गंगा निकली है भैया खोद पार, गंगा निकली है सुरजन खोद पार, एजा में बड़े बड़े पापी तार गाए, इसी के साथ ही साथ क्षमा चाहता हूं। मैंने जो उदल के पुत्र विजय सिंह का विवाह पत्थरगढ़ का संग्राम आपके सामने पेश किया, अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। साथ ही साथ जो हमारी नाल प्रसंगति की है, यानी देवराज मस्ताना जी और चिमटा प्रसंगति कर रहे हैं भाई, जो गाड़ी के मालिक, दो दो गाड़ियों के मालिक, यानी हमारे मिजाजी जो अभी अभिवाता हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है, और जो घड़ा पे संगति कर रहे हैं हमारे धर्मेंद्र बेटा जी पास में बैठे हुए हैं, हमारे शिष्य सभी जो तेजपाल जी माधुरी वाले, पुष्पेंद्र यादव माधुरी वाले,